सियापति राम चंद्र की जय। तो नया नया व्लॉग फिर से स्टार्ट किए हैं, बीच में कुछ परेशानी आ गई थी। मैंने वन डे टू डे काम छोड़ दिया था तो मैं जा नहीं रहा था, मैंने कुछ और करना स्टार्ट किया था, लेकिन फिर किसी के सलाह देने पर मैं फिर से व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। शूटिंग करूंगा, वहां की व्लॉग दिखाऊंगा और अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में दिखाऊंगा कि मैं करता क्या हूं। तो आज के दिन की शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं कि इंस्टा की वीडियो मुझे बनानी थी, जो कि टॉपिक था आज का, कि एक लड़का होता है वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है। वहां मिलने जाता है तो उसके परिवार वाले पकड़ लेते हैं। अब आप मुझे कमेंट में बताओ वो लोग किए क्या होंगे उसके साथ। और अगर पूरी वीडियो देखनी है तो आपको मेरे इंस्टा पे जाना पड़ेगा। ये रही प्रोफाइल, विकास होना बाकी है। फिलहाल 1,11,000 फॉलोअर हैं, लेकिन आप लोग का साथ रहा तो ये दिन ब दिन बढ़ता जाएगा और आपको मैं अच्छे अच्छे टॉपिक पर निष्कर्ष निकाल के दूंगा कि करना क्या चाहिए। तो पूरी वीडियो आप वहां देख सकते हैं। और यहाँ ये काम करने से पहले मुझे बैंक का काम करना पड़ेगा। बैंक का काम इसलिए क्योंकि मैंने एक चेक डाला था, 10 दिन हो चुका है अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ। तो हमको ये जाकर देखना है बैंक में भैया काहे नहीं क्लियर किए। और मैं बता दूं कि वो SBI का बैंक नहीं, पंजाब नेशनल बैंक है। चलो बैंक की तरफ चलते। अपनी कुर्सी की पेटी खोलकर मैं इस रास्ते से इन मैम को हेलो हाय कहते हुए रास्ते को चीरते फाड़ते हुए मैं आगे बढ़ रहा था, तभी अचानक मेरे बाल मेरे माथे पर आ गए। फिर मैंने उसे हटाया, फिर मैं निकल चुका मटजट्टी के इस स्टैंड की तरफ, जहां पर समोसे और गर्मा गर्म वड़ा पाव मिल रहे थे। मैं खाता नहीं हूं, मुझे किसी तरह अवॉइड करना पड़ा। फिर करीब 1 घंटे इंतजार करने के बाद ये महाशय बस लेकर आए। फिर मैं अपनी सीट ग्रहण करके बैंक की तरफ निकल चुका हूँ। आपको घबराने की बात नहीं है, मुंबई में ऐसे ट्रैफिक आपको हर एक रोड पर मिलते रहेंगे, क्योंकि मुंबई में जहां देखो कहीं यहां खुदा है कहीं वहां खुदा है। उस खुदा खुदाई को चीरते फाड़ते मैं निकल चुका हूं पंजाब नेशनल बैंक की तरफ, जहां मैं अंदर जाऊंगा, पूछूंगा मेरे चेक का। अब बैंक में घनघोर बेइज्जती कराने के बाद अपने घर की तरफ प्रस्थान कर चुका हूँ। बात कुछ ऐसी है कि मैं चेक दे के आया था बैंक में, मुझे लगा चेक मिला है, मतलब प्रोडक्शन हाउस से मिला था जो मैंने क्राइम अलर्ट में काम किया था, तो उसका मुझे चेक मिला, मैंने बैंक में डाल दिया। मुझे पता अगर चेक मिला है तो भाई कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि सालों ने डेट 17 फरवरी और 8 फरवरी डाल रखा है। ये दो चेक था, मैं दे आया। अब मैं आज बैंक गया, लड़ने लगा कि भाई 10 दिन हो गया अभी चेक क्लियर नहीं हुआ। जाके बैंक मैनेजर आके बोल रहा है भाई डेट देखा था? मैंने कहा नहीं सर। और बता रहा है एक 17 फरवरी का है और एक 8 फरवरी का है। अब मुझे चेक पकड़ा दिया है, बोला है कि अब 17 फरवरी और 8 फरवरी को आना। फिर मैंने फ़ोन लगाया अपने प्रोडक्शन वाले के पास, फिर मैंने मन ही मन अच्छे अच्छी शुद्ध शुद्ध भाषाओं में उनको गालियाँ दी। अब गालियाँ इसलिए देनी पड़ी क्योंकि अगर हम टाइट नहीं होंगे ना तो वो लोग अगली बार ऐसे ही करेंगे। अब मैं ये नहीं बताऊँगा कि मैंने कौन कौन सी गालियाँ दी, गालियाँ तो आती नहीं, लेकिन फिर भी मैंने अपने मन में दी। मन में इसलिए दी कि अगर ससुरों को अगर मैंने असली में दे दी ना, काम नहीं देंगे, काम भी तो करना है उनके साथ। तो अगली बार जब भी आप बैंक जाएँ अपना चेक देने के लिए तो इस बात का ध्यान रखें कि डेट कौन सी पड़ी हुई है। तो बैंक से घर तो पहुंच गया हूं। अब तुम्हें लग रहा होगा कि जाकर आराम से बना बनाया खाना मिलेगा और हम चाँप लेंगे। नहीं भैया, हम जाएंगे, बनाएंगे, उसके बाद खाएंगे, देन उसके बाद इंस्टा की वीडियो बनानी है 5 या लगभग 6, उसके बाद एक ऑडिशन तैयार करना है, देन उसके बाद फिर एक्टिंग की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि रात को 9 से 12 परफॉर्म करना है। आज का दिन तो खैर अच्छा जाने वाला है, देखते हैं आगे क्या होता है। है प्रेमचंद जी की कहानियाँ, जो हम लोग अक्सर अपने शब्दों को ठीक करने के लिए इनकी किताबें पढ़ते रहते हैं। हमने इनमें अभी ईदगाह पढ़ ली है, जुलूस पढ़ लिया है, दो बैलों की कथा पढ़ ली है, रामलीला पढ़ ली है। आज हम स्टार्ट करेंगे बड़े भाई साहब, नशा, लाग डाट और आत्मा राम, यहाँ तक मैं पढ़ूँगा, फिर ये कल पढ़ूँगा। तो ये अभी 4 मुझे आज पढ़ने हैं। पढ़ने के बाद तो ये 4 कहानियां खत्म करने के बाद मैं खाना बनाऊंगा। खाना बनाने के बाद थोड़ा खाया जाएगा, बाहर टहला जाएगा, छत पर फोन चलाया जाएगा, फिर कल कौन सी वीडियो बनानी है इस पर ध्यान दिया जाएगा, उनके शब्दों पर ध्यान दिया जाएगा, फिर थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे, शब्दों को क्लियर करने की बुक पढ़ेंगे फिर से, उसके बाद एक मूवी देखेंगे, रात के 12 या 1 बजे तक सो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, लाइक करना एंड सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आज मैं शूट पे नहीं गया हूँ। हो सकता है कल शूट पे जाऊँ तो मैं आपको शूटिंग की वीडियोस दिखाऊंगा, ताकि आपको पता चले कि एक्टिंग होती कैसे है। हो सकता है मैं आपको एक्टर से भी मिला दूँ। मिलने के लिए तैयार रहो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज, और हर हर महादेव कहना मत भूलना, क्योंकि कोई भी चीज़ जब
अंत होती है तो कहते हैं हर हर महादेव। ख्याल रखना।